हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को रिटेनिंग वॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आप ड्राइंग देख सकते हैं जो मेरे स्क्रीन पर है। ये हमारी डिज़ाइन है रिटेनिंग वॉल की। आपको इसमें नंबर्स ऑफ बार और जितनी भी चीज़ें हैं पूरी फुल डिटेलिंग आपको दिख रही होंगी। एक साइड पर फिलिंग है और एक साइड पर हमारी खाली है। जो फिलिंग है वहाँ हम मिट्टी फिल करेंगे और ये कंक्रीट की पूरी रिटेनिंग वॉल बनाएंगे। इस पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ 16 mm की बार लगी हुई है, बाहर की 10 mm की बार लगी हुई है और इसकी ये हाइट हमारी जाएगी ये 15 फीट तक। और हम इस रिटेनिंग वॉल में नीचे पाइलिंग पहले करवाएंगे। पाइलिंग करवाने के बाद बेस बनेगा, बेस बनने के बाद फिर रिटेनिंग वॉल खड़ी होगी। रिटेनिंग वॉल की जो थिकनेस होगी, जो रिटेनिंग वॉल की बेस की विड्थ होगी वो 6 फीट की होगी और रिटेनिंग वॉल जो वर्टिकल खड़ी होगी जो उसका बेस होगा वो 16 इंच का होगा और इसका टॉप जाके 9 इंच का तैयार होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये ड्राइंग, इसमें आप फुल डिटेलिंग है वो पाइलिंग की भी और हमारी रिटेनिंग वॉल की और पाइल कैप की। तो हम दिखाते हैं कैसे हमने पाइलिंग कराया और कैसे स्टेप बाय स्टेप सब बताते हैं। देखिए, ये हमारा बोर हो रहा है, पाइलिंग बोर इसे बोलते हैं, जो मिट्टी में हम लोग गड्ढा करते हैं। और इसके लिए हमने ये 25 फीट तक हमने करवाया है। आप देख सकते हैं ये सामने आपको बोर दिख रहा है। बोर दिखाने के बाद हम इसमें जाल डलवाते हैं। याद दे, जाल डलवा के इसकी हमने ढलाई पूरी कंप्लीट कर ली। आप देख सकते हैं इसको ऊपर के सरफेस को हमने कट करवा दिया है, क्योंकि ये मिट्टी से मिल जाता है इसलिए इसको कट कराया जाता है। कट कराने के बाद हमने PCC इसके ऊपर PCC करवा दी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। बोल्डर डलवा के सीमेंट का मिक्स करवा के PCC करवा दी। ये पूरी कंप्लीट PCC हो गई है, आप देख सकते हैं। ये इसको फिर PCC करवाने के बाद हैमर से इसको ऊपर हमने इसको ब्लॉक्स से कूट दिया है इसको। ये हमारी इसके ऊपर स्टील बन गई। PCC के ऊपर हमने पूरी स्टील को बंधवा दिया। पहले नीचे की तरफ आपको देख रहे हैं, नीचे जो बॉक्स की तरह दिख रहा है ये हमारा पाइल कैप है और जो वर्टिकल खड़ा है ये हमारी रिटेनिंग वॉल की बार खड़ी हुई है। आप ये सब 12 mm की बार है, आप देख सकते हैं। ये जो बीच की नाई दिख रही है ये हमारी रिटेनिंग वॉल की थिकनेस है। ये 16 इंची नीचे से है पूरी कंप्लीट 16। और इसकी जो पाइल कैप की जो डेप्थ है 2 फीट की है। ये ढलैया के बाद, ये ढलाई करने के बाद ये पूरे 2 मीटर की तैयार होगी। ये पूरी इसकी जो लेंथ है जो हम रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं वो 75 फीट की लेंथ में इसको हम बनवा रहे हैं। और इसमें देख सकते हैं डबल जाल इसमें बनवाया गया है। ये देखिए L जो दिख रहा है ये पाइल की है, पाइल की जो सरिया निकली हो उसका L कराया गया है, फिर उसी के ऊपर हमें पूरा एक जाल तैयार किया गया है जी। अब इसके ऊपर हम ढलैया कराने का स्टार्ट करवा रहे हैं। जितने भी है जगह जगह से हम इसको फिल करवा रहे हैं और सरिया से इसको और इसके पोर्स को कम करते जा रहे हैं, जो पोर्स है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये कॉम्पैक्ट हो जाए कंक्रीट। देख सकते हैं लेबर ये हर जगह जगह से सरिया से कर रहा है, पोर कर रहा है कि ये पूरी कंप्लीट हमारा अच्छे से हो जाए, कि कहीं हानि भी ना हो जाए। तो इसके लिए हम करवा रहे हैं इसको। हम M20 का मिक्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर कंक्रीट में। जितना भी हमने यूज़ किया कंक्रीट सब M20 का मिक्स यूज़ किया गया है। और इसमें कुछ काम हमने रात में भी करवाए हैं, क्योंकि दिन में कुछ काम चला है और कुछ नाइट में भी काम को कंप्लीट करवाया गया है। ये आपका जो बेस है पूरा, मतलब कि पाइल कैप है, ये कंप्लीट हो चुका है। इस पर ढलैया लगभग हो चुकी है, ये देखिए पूरा कंप्लीट। अब इसके ऊपर रिटेनिंग वॉल का काम ऊपर की ओर चलेगा। ये रिटेनिंग वॉल के लिए सेटरिंग लगाना स्टार्ट किया है। देखिए थोड़ी छोटी छोटी नीचे से लग गई है, अब ये कम होती ऊपर की तरफ कम होती चली जाएगी। जितना ये ऊपर जाएगी नीचे 16 इंची, ऊपर जाके 9 इंची इसको बचेगा ये पूरा। और इसके रिटेनिंग वॉल के बीच बीच में एक कॉलम भी दिया गया है कि इसको सपोर्ट मिले, कहीं साइड ना हो। आप देख सकते हैं सेटरिंग लगी हुई है, अगल बगल उतनी ढलैया हो चुकी है, आधे से ज़्यादा ढलैया करवा दी गई है।
ये लगभग आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। ढलैया के बाद की ये फोटो है, आप देख सकते टेका लगा हुआ है कि अच्छे से ये वर्टिकल रहे। एक साइड से इसको बैंड करते चले गए हैं और एक साइड से बिल्कुल सीधी है। अब इसके अंदर हम दिखाएंगे कि कुछ जो होल्स इसके अंदर दिए गए हैं, छोटे छोटे से पाइप दिए हैं, 3 इंची के पाइप डाले हैं कि एयर और वाटर प्रेशर को हम वॉल पे कम किया कर सकें। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें से पाइप गया हुआ है। ये हम इसमें एक अभी ईंटें लगाएंगे, मतलब कि इसे बोल्डर बोलते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज, उसे बोल्डर बोलते हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको इसमें फिल करेंगे कि मिट्टी इसके बाहर ना जाए मगर एयर और वाटर का प्रेशर को ये कम कर सके। इसके लिए हम लोग इसको यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो बोल्डर लगे हुए हैं ये लाइन से लगाए गए हैं, ये होल्स के ऊपर लगाए गए हैं कि मिट्टी बाहर ना जाए मगर एयर और वाटर के प्रेशर को ये रिड्यूस कर दे, कम से कम प्रेशर सहे हमारी रिटेनिंग वॉल। अगर ये नहीं होता है तो इसमें चांसेस हो जाते हैं वॉल को गिराने के, मतलब कि वॉल को प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ये वॉल या तो टिल्ट हो जाती है या तो फिर गिर जाती है। तो आप देख सकते हैं बोल्डर लगा दिया गया है, पूरी हमारी वॉल कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।